क्या आप उत्तराखंड की और चंपावत की जनता को बताएंगे कि सीएम धामी को जनता वोट क्यों करे? पांच काम, सिर्फ पांच काम जी। चंपावत की जनता, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, हमारी कथनी और करनी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। पांच काम सर, मैं पांच काम बता रहा हूँ, सर पांच काम बता रहा हूँ। हम टूरिज्म का वहां डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। सर, जो कर चुके हैं वो बताइए, जो कर चुके हैं पांच काम गिनवाइए। सर, जो काम कर चुके हैं वहां का हमने पूरा डेवलपमेंट किया है। कहां का? वर्मा जी पांच काम गिनवा दीजिए सर। सर पांच काम जो सीएम धामी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किए, पांच काम। सर मैं वही तो बता रहा हूं आपको, मैं वही गिनवा रहा हूं आपको। सर मैं आपको वही गिनवा रहा हूं। रोप वेज हमने बनाने की पहले से घोषणा कर दी है, वहां पर हनी का हब चंपावत में बनाने की घोषणा पहले से कर चुके हैं। वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पांच काम मुख्यमंत्री रहते हुए बनाती है उन्होंने। माननीय तिलक जी, मैं घोषणा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम धामी के पांच काम। सर तीन सिलेंडर देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी, हमने उस वायदे को धरातल पर उतार दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी थी, आ गया सर, उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, उस पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। पांच काम। और आप ये देखिए, आप जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। जनता आपसे पूछती है कि उत्तराखंड बेरोजगारी के मामले में, शहरी बेरोजगारी के मामले में नंबर वन कैसे बना, पूछती है जनता। जनता आपसे पूछती है कि सर, जनता आपसे पूछती है कि गैस सिलेंडर हजार बार जनता पूछती है आपसे। राजस्थान है सर, सर नंबर वन पे राजस्थान है। सर मेरा सवाल को ध्यान से सुनिए, नंबर वन पे ऐसे हरियाणा है 34.2%, लेकिन शहरी बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर वन पर है। दूसरी बात, जनता आपसे पूछती है कि सिलेंडर हजार रुपए पार, जनता आपसे पूछती है कि आखिरकार ये महंगाई है वो कैसे कम होगी, जनता आपसे ये पूछती है कि जो कोरोना वॉरियर्स जिन पर आपने फूल बरसाए थे वो आज धरने पर क्यों बैठे हुए भूखे, जनता पूछती है आपसे। वर्मा जी पूछती है, क्या बोलते हैं आप उनको? वर्मा जी सिग्नल चले गए? वर्मा जी के सिग्नल चले गए। जियो कर लो दुनिया मुट्ठी में।